आप सवाल है सबों, पहले तो मारो राम राम। अब भाई साहब इतना बढ़िया सुनहरा शब्द बोलिया है, अगर अंडे बाद में आदमी कहीं बोले तो वहाँ वाली बात में जाए कि मीठा रे बाद में नमकीन खा वाली इच्छा नहीं रहती। तो अगर बाद में मारे ला रहे मेरी हंसी वाली बेटी। अब मेरी अंग्रेजी जो है भाई लोग, वो जो है वो मेरे दोस्तों की तरह बहुत मजबूत है, पर उस पर मेरी कोई पकड़ नहीं है। इस वजह से और कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं मेरी भाषा में बात करना चाहूँगा और वही मेरा दूसरा उद्देश्य नहीं। मुझे अच्छी तरह से एहसास है कि मैं किस मिट्टी पे खड़ा हूँ। मैं उसे जो है वो दोबारा जो है दोहराना नहीं चाहूँगा, पर मेवाड़ की भूमि से मैं आया हूँ। सबसे पहले पंडित श्री सबसे पहले जो है वो मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियाँ जो है वो आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। मैं बहुत ही गैर औपचारिक व्यक्ति हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ से मुझे जो चीज़ याद आएगी मेरे हृदय में और जो आप मेरे से बाहर निकालेंगे वही निकलेगा। जितनी ऊर्जा आप इधर से इधर भेजेंगे उतनी ही मैं यहाँ से वहाँ भेजूंगा, और खास तौर पर अगर मेरे को उम्मीद है तो हमारे जो पीछे वाले हैं ना, इनसे ज़्यादा मुझे जो है वो उम्मीद है। तो मैं पूरा भरोसे पर अगर मंच पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर जो सभागार के अंदर जो पीछे लोग उपस्थित हैं उनके भरोसे के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। और उसके पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस संस्कृति से हम लोग आते हैं, जिस जगह से हम लोग आते हैं, वो चीज़ हमको एक चीज़ सिखाती है। और उस चीज़ से मैं अपना आगाज़ करना चाहता हूँ कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इन चीज़ों को बखूबी लिखा हुआ है कि अगर भगवान भी हमारे सामने साक्षात आकर उपस्थित हो, हमारे माता पिता भी अगर हमारे सामने आकर उपस्थित हो, और उसी क्रम के अंदर अगर गुरुजन भी उपस्थित हो, तो निसंकोच बिना किसी हिचकिचाट अपनी जो पगड़ी है, अपना जो सर है, सबसे पहले अगर किसी के चरणों में जाकर झुकना चाहिए तो और किसी के नहीं, हमारे गुरुओं के चरणों में जाकर जो है वो झुकना चाहिए। सबसे पहले जो कुंडली अपना विराजमान है, मेवाड़ आपको नमन करता है, प्रणाम करता है, दंडवत करता है कि आप यहाँ पर विराजमान हैं, मेरा प्रणाम जो है वो स्वीकार करावें। परम श्रद्धेय हमारे मिट्टी के लाल, केवल राजस्थान नहीं, भारत भी देश नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज की तारीख में भारत को वो गौरव दिलाने के लिए, एक पहचान दिलाने के लिए, उस जुझारूपन से, उस कर्मठता से जो है वो बाहर निकले, अगर मेहनत का अगर कोई पर्यायवाची आज की तारीख में अगर अपने शब्दकोश के अंदर ढूंढने का प्रयास करेगा तो उसके अंदर केवल एक ही नाम आप लोगों को नजर आएगा, परम श्रद्धेय श्री अनिल अग्रवाल साहब। हम नाज करते हैं आपके, जो आपने दिशा और दशा इस देश की इस 21वीं सदी के अंदर बदली है, और हमारे जैसे युवाओं के लिए जो आप प्रेरणा स्रोत बने हैं, यहाँ पर आप अपना अमूल्य समय देकर जो है वो आप पधारे हैं, ये किसी भी चीज़ से वो कम नहीं है। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये जो सोच आपने रखी है, सात समुंदर पार जो आकर आप लोगों ने सब लोगों का ये हौसला अफजाई करी है, जो इज्जत बख्शाई है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और एक बात जो यहाँ पे सब सभागार के अंदर बैठे हैं, एक बात तो तय है जो आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है उसको साबित करा है, वो कोई भी आदमी उसको जो है वो नकार नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। और वो ये है कि आपको भारत देश से बाहर निकाल सकते हैं, आपको राजस्थान से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, पर आपके भीतर के भारत को और भीतर के राजस्थान को बाहर नहीं निकाला जा सकता। वो आज यहाँ पर भी जो है वो साबित हुआ है, छाती ठोक के जो है वो साबित किया है। और एक बात जो मैं कहूँगा, हमारे साहब ने भी उस बात को फरमाया, इसमें अगर 21 अगर कोई रहा है तो हमारी मातृशक्ति रही है, इसमें कोई शक्ति बात नहीं है। जो आपने आज भी जिस गर्व से, जिस सम्मान से अपनी वेशभूषा की, अपनी परंपरा की, अपनी विरासत की, अपनी संस्कृति का जो आप लोगों ने यहाँ पे संरक्षण किया है, और खास तौर के ऊपर जो ये युवा आने वाली पीढ़ी जो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, मेरे को नहीं लगता कि इस जगह के अंदर संस्कृति की, अपने भारत देश की संस्कृति की कहीं पर किसी तरीके से जो है वो कमी है। और ये पूरा के पूरा श्रेय मैं मातृशक्ति को देना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ के माता श्री भी यहाँ विराजमान है। मेरे को श्री शैलेश लोढ़ा की दो पंक्तियाँ जो है वो जरूर याद आती हैं, जो मैं आपको
समर्पित करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो उपस्थित माएँ हैं, अगर हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो हम वो पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वो अभिलाषा है, बस माँ की यही परिभाषा है। अविनाश जी ने मुझे कहा था कि कोई ज्ञान की बात नहीं करनी, तो मैं कोशिश पूरी यही कर रहा हूँ कि मैं ज्ञान की कोई बात ना करूँ और इतना लंबा भी ना बोलूँ कि जिससे आप लोग जो है वो प्रताड़ित हो। सबसे पहले जो है वो मैं शेखावत साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, ये सम्मान दिया, ये मान बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात एक और मेरे भाई, मैं बिल्कुल हृदय से बोल रहा हूँ, बिल्कुल मन से, इस दिल के ऊपरी छोर से मैं इस बात को आप लोगों को अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे को हकीकत के अंदर, मैं ईमान से आपको बता रहा हूँ, जब से रोटी तोड़ी है तब से ऊपर जो और जो कार्यक्रम थे, जो देखने के लिए संग्रहालय में कुछ चीज़ें लगाई हुई थी उनको देखकर यहाँ पर मैं वापस आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ, हाजिर हुआ, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने किसी घर के किसी एक प्रांगण में बैठा हूँ। आज एक कोई त्यौहार है, सारा परिवार एकत्रित हुआ है और हम लोग एक थाली में बैठकर रोटी तोड़ रहे हैं और आज कोई उत्सव मना रहे हैं। ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम लोग सात समुंदर पार जो है वो लंदन के अंदर बैठे हैं। ये हमारी संस्कृति की ताकत है, ये हमारे परिवार की ताकत है, जो आज हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा, किसी भी प्रकार से जो है वो आपको ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी तालियों को अगर रोक सको तो रोक कर ज़रूर बताना। ये जो है मैं कभी ताली बजाने के लिए कहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा। मेरे दिल दिमाग में दो पंक्तियाँ और आती हैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की, जो आज के दिन के ऊपर आप सभी लोगों को जो है वो मैं बांटना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मिरथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा, रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा जलता रहेगा। बहुत बहुत आभार। मैं अंत में सिर्फ एक सोच को छोड़कर आप लोगों के साथ में जाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य आप लोगों ने अगर तय कर रखा है तो उसके ऊपर राज करना जो है वो मुश्किल नहीं है। हम लोगों को हमारे घर परिवार से ज़्यादा दूर जाकर प्रेरणा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रेरणा स्रोत, वो लोग, वो संस्कार हमारे लिए सभागार के अंदर ही उपस्थित है। एक कक्षा के अंदर एक मास्टर साहब ने जो है नक्शा बांटा, हर बच्चे को जो है वो एक नक्शा दिया और उसको काट के अब इसको फाड़ दो, तो माना जैसा तो ऐसा तैयार बैठा कि हमने फाड़वा फोड़वा और काम तो एक नंबर। तो सबसे पहले जो है हम लोग वो फाड़ने के लिए जो है उस नक्शे के बिल्कुल टुकड़े 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 कर दिए। भाट साहब ने गुरुदेव ने फिर वापस पूछा कि सबने उस नक्शे को फाड़ दिया, तो सबने उठा के हाथ कहा कि हाँ साहब, हाँ भाट साहब, गुरुदेव बिल्कुल जो है वो हमने इस नक्शे को फाड़ दिया। तुरंत ही उसके बाद भाट साहब ने कहा, भैया किसको पता था कि भाट साहब हमारे से 21 होंगे, तो उन्होंने कहा कि अब इस नक्शे को जोड़ दो। तो मैं मेरे बाजू वाले की शक्ल देखूँ, वो मेरी देखे, आगे वाला हमारी देखे, हम आगे वाले की देखे, अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जितनी देर में जो होशियार बच्चा नहीं है जिससे हम सब लोगों को चिड़ मचती है, उसमें से एक ने हाथ खड़ा कर दिया और वो कुछ दो ढाई मिनट बाद ही उस आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि गुरुदेव मैंने इस नक्शे को जोड़ दिया। और हमारा जबड़ा जो था वो या तो इसने फाड़ा नहीं, पर उसने भी बराबर टुकड़े करे थे, हमने तहकीकात करने में अपन लोग पीछे रहते नहीं हैं, तो देखा तो उसने बिल्कुल नक्शे के जो है वो टुकड़े टुकड़े कर रखे थे। तो गुरुदेव भी हैरान थे कि ये ऐसा कौन सा छोरा मिला जो इसने बिल्कुल जो है वो इस नक्शे को इतना जल्दी जो है वो वापस जोड़ दिया। तो नक्शा देखने के जगह के ऊपर गुरुदेव ने उससे ये पूछा कि भाई लगा तुमने इस नक्शे को जोड़ा कैसे? तो उसने कहा, गुरुदेव ये तो बहुत सरल काम था, ये जले में नमक। मैंने कहा कि एक तो नक्शा फाड़ दिया, फिर जोड़ भी दिया और जल्दी भी जोड़ दिया और ये भी कह दिया कि सरल काम था। मैंने कहा ऐसा क्या काम किया? तो उसने कहा, गुरुदेव मैंने नक्शा उठाया, मैंने उसे उल्टा किया। अब मैं कहता हूं कि तालियों को अगर रोक सको तो रोक लेना, अगर बात आपके दिल के अंदर उतर जाए, घर कर ले, आत्मा के अंदर उतर जाए, बात आपको समझ में आ जाए तो मेरे को एहसास जरूर कराइएगा, क्योंकि अकड़ जो है ना वो मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। तो मुझे एहसास कराइएगा कि यहाँ पर मैं जिंदा लोगों के सामने जो है वो उपस्थित बैठा हूँ। वो युवक जो है वो खड़ा हुआ, वो बच्चा जो है वो बालक जो है वो खड़ा हुआ, उसने कहा, गुरुदेव मैंने उस नक्शे को उल्टा करा, उल्टा करने के बाद में उसके पीछे एक इंसान बना हुआ था, मैं इंसान को जोड़ता चला गया, देश खुद ब खुद जुड़ता चला गया। आज यहाँ पर वो मैं देश को जुड़ते हुए
आज यहाँ पर आप लोगों ने उस देश को छोड़ रखा। और अगर आप हकीकत में मेरे से पूछें तो यहाँ आप लोगों ने मुझे बुलाकर हमें जो गौरवान्वित महसूस कराया है, हमें सम्मान दिया है यहाँ पर बुलाकर, ये मेवाड़ जो है वो कभी इस चीज़ को भूलने वाला नहीं है। एक वचन मैं आपको ज़रूर देकर जाता हूँ, अगर आपके बीच में अगर आपको मेवाड़ की आवश्यकता पड़ी तो अगर इंतज़ार रहेगा तो केवल एक आवाज़ का, और मेवाड़ आपके बीच में जो है वो उपस्थित रहेगा। अंत में दो पंक्तियाँ कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में नमन। साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे। शेखाव साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर जगह घर कर जाए तो मेरे को बताइएगा, और इस सभागार से जो है अपने हृदय के अंदर और अपने पुरखों के पास अपनी आवाज़ जरूर पहुँचनी चाहिए कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Many, many thanks. Sorry, Tali.